अगली प्रोडक्ट है हैंड एंड फुट व्हाइटनिंग लोशन। इसके अंदर आपको प्रोडक्ट मिलेगी 160 ml। इस तरह का इसका कैप है, इसको हम खोलेंगे और इस तरह हमें प्रोडक्ट मिलेगी। इसकी कंसिस्टेंसी है, इस तरह की इसकी बॉटल है, ठीक है। अच्छा, इसके पीछे क्या लिखा हुआ है पहले मैं आप लोगों को वो पढ़ के सुनाती हूँ। हेल्प्स लाइटन स्किन टोन, स्किन टोन को लाइट करेगी, स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करती है, ग्लो देती है, एब्जॉर्ब क्विकली हो जाती है, नॉन ग्रीजी है, पैराबिन फ्री है। अच्छा, इसके ऊपर लिखा हुआ है व्हाइटनिंग। इस व्हाइटनिंग का ये मतलब नहीं है कि बहुत जो आप लोग की स्किन टोन है उससे आप लोगों को व्हाइट कर देगी। इसकी व्हाइटनिंग का ये मतलब है अगर सन टैन हुआ हुआ है आप लोग को, या किसी भी रीजन की प्रेगनेंसी की वजह से, या आफ्टर या बिफोर प्रेगनेंसी किसी किसी की स्किन बहुत ज्यादा डल हो जाती है, या कोई भी इश्यू हो जाए, कोई बीमारी हो जाती है जिसके अंदर कोई इंजेक्शन लगता है उसकी वजह से स्किन डल हो जाती है, उसको ये ब्राइटन अप करता है, आप लोग के ओरिजिनल स्किन कलर को ब्राइट करता है, ठीक है। अगर आप लोग का स्किन कलर डार्क है उसको ये ब्राइट नहीं करेगा। मैंने कहा ये आप लोग को बता दूं, ये वो वाला व्हाइटनिंग नहीं है जिसके अंदर केमिकल्स डले होंगे, ये आप लोग स्किन को ब्राइट करेगा, ग्लोई करेगा। अच्छा, ये नॉन ग्रीजी है, ये मुझे इसलिए बड़ा अच्छा लगा था, इससे ना बड़ी अच्छी सी ग्लो आ जाती थी। हैंड एंड फुट के लिए था, लेकिन मैं अपनी टांगों, बाजुओं, गर्दन सब पे ये लगा लेती थी और ये बड़ा अच्छा मुझे ना इसका रिजल्ट मिला, ठीक है। और ये है भी काफी ज्यादा क्वांटिटी में, 2 हफ्तों से अप्लाई कर रही हूँ, अभी भी बहुत ज्यादा पड़ा है, क्योंकि थोड़ा सा ये यूज होता है, इतना इतना एक बाजू और एक हाथ पे, और इससे थोड़ा सा डबल टांग के लिए इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं इसकी कंसिस्टेंसी की। ऐसी कंसिस्टेंसी है इसकी, ठीक है, इधर भी लगा के अप्लाई करके दिखा देती हूँ। इसकी प्राइस है 787.90 और हम लोगों ने अप्लाई कर लिया। बाकी जिन्होंने यूज़ की हो या इनकी प्रोडक्ट्स वो इधर भी कमेंट्स करिएगा, ताकि सारी ऑडियंस एक दफ़ा इसके रिव्यूज़ सुन लें। मुझे तो इनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी लगी हैं, प्राइस भी बता दी, किस तरह यूज़ करना है वो भी बता दिया, और इसके रिजल्ट्स किस तरह के हैं वो भी बता। हाँ जी, उम्मीद है जी आज का रिव्यू आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा, कुछ लड़कियां कहती हैं आप भी हम कितनी चीज़ें लें, हर कोई डिफरेंट चीज़ें रिकमेंड कर रहा होता है, डिफरेंट चीज़ों पर रिव्यू कर रहा होता है। देखो, रिव्यू करने का मतलब है जनरल नॉलेज में इजाफा करना। मैंने जब ये चीज़ें यूज़ नहीं की थी, मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ें किस तरह इस्तेमाल होती हैं, मैंने इस्तेमाल की, मेरे नॉलेज में इजाफा हुआ कि इस चीज़ को इस तरह यूज़ करेंगे रिजल्ट इस तरह मिलेगा, इस चीज़ का यूज़ ये है, इस चीज़ का बेनिफिट ये है। जिस चीज़ को जिसको ज़रूरत होती है उस चीज़ की वो खरीद लेता है, जिसको ज़रूरत नहीं होती उसके जनरल नॉलेज में इजाफा हो जाता है कि दुनिया में कौन सी क्रीम आ रही है, कौन सी जा रही है, ठीक है जी। आप लोग इस तरह भी रिव्यू को देखा करें कि एक चीज़ का इस्तेमाल पता चल रहा है, एक चीज़ कौन सी मार्केट में है वो पता चल रही है, कौन से ब्रांड मार्केट में है वो पता चल रहे हैं। चलें जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आऊँगी मैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से जी रब रखा।